11 मार्च को पंजाब की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नई सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, एसवाइल नहर का समाधान, नशे का खात्मा, डिफॉल्टर से वसूली और युवाओं के लिए रोजगार जैसी समस्याएं नई सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ाएंगी। पंजाब में आने वाली नई सरकार की राह आसान नहीं होगी। नई सरकार के लिए सत्ता का ताज बेहद कांटों भरा होगा। पंजाब में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिनसे पार पाना नई सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना, किसानों को कर्जा मुक्त करना, युवाओं को रोजगार देना, कानून व्यवस्था समेत ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनसे निपटना अगली सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी। बहुत डिफिकल्ट टास्क हैगा। सरकार दा आना एक गल है, सरकार नू चलाउणा दूसरी गल है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का कर्जा और क्योंकि सब तो पहली चुनौती जी जी कणक चक्कण की आ, क्योंकि जी कैश क्रैडिट लिमिट है वो हजे तक क्योंकि पेपर तो जरूर पढ़िया बट प्रैक्टिकल रूप के हजे इंप्लीमेंटेशन वाली गल है नहीं। बहुत सारे काम जो करने बाकी ने, किसानों के एक जी बहुत वड्डी जी जरूरत है उन्हों की फसल में दुगना, उन्हों की आमदन दुगना करना, दलित भाईचारे नौकरी मंगन वाले की थां ते अज नौकरी देने वाला बनाना, भाव गरीब नू जिहड़ा उहदा भी उत्थान करना, और पंजाब नू उद्योगिक पक्षों भी नवे आयाम कायम करने जिहड़े आ, ये साढ़े मोहरे जिहड़े आने वाले समय दे विच इक सरकार जिहड़ी करेगी तो उहदे नाल रोज़गार भी वधेगा ते लोगां दे विच जिहड़ी आ खुशहाली वधेगी। हालात जिहड़े अब नॉर्मल ने, ला डॉट ना दी इत्थे कोई चीज़ नहीं गी। पॉलिटिशन तो लोगों का भरोसा उठ चुका, क्योंकि सब लोग समझ गया कि पॉलिटिशन जिहड़े आ इन्होंने सियासत बिजनेस बनाया होया, परिवारों तक सीमित है। कोई एक्सट्राऑर्डिनरी परसनैलिटी जिहड़ी आ, जिहड़ा कोई हिस्सा भरिया आदमी है, जिहड़ा कोई फैसले लै सकदा, वो पंजाब की गड्डी जिहड़ी लीह तो लत्थी उही चढ़ा सकदा, क्योंकि बड़े कौड़े फैसले लेने पैने, बहुत सख्त फैसले लेने पैने और उस पर अमल करवाना पैना। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी 10 साल से पंजाब में विकास की दुहाई दे रहे हैं और सत्ता में फिर से आने पर इसे और आगे बढ़ाने का दम भर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर फिक्रमंद है, साथ ही पंजाब की भलाई के लिए काम करने की बात कह रही है। मेरे हिसाब नाल उदों जित हुंदी है जदों लोग मनदे हैं कि तुसी कोई भला काम कीता है। सो इह सरकार लई बहुत वड्डियां चुनौतियां ने, जिहड़ी भी सरकार बनदी है पंजाब दे लोग बहुत बेसब्री नाल इंतजार कर रहे हैं कि नवीं सरकार बने, उहनां नूं राहत मिले, जो बहुत नैगेटिव गवर्नेंस पिछले समय च निकली है। सो होपफुली जिहड़े भी लोग सरकार चाहन पंजाब दा बहुत भला करन, पंजाब के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ इंडस्ट्री जो है वो प्रफुल्लित हो और खेती में भी विविधीकरण की तरफ में बढ़ना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब में हर सियासी पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र में तमाम बड़े बड़े वादे किए हैं। अब घोषणा पत्र में किए वायदों पर खरा उतरने की चुनौती सत्ता संभालने वाली नई सरकार के सामने होगी। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, दिल्ली से पंकज कपाई, लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया।